नमस्कार, एलएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको दिखा रहा हूं आज अंडमान में किस तरह का कब्जा कर रखा है सारा फुटपाथ को। आप देख सकते हैं घंटाघर गांव से लेकर पूरा गांधी स्टेचू तक जो हिसाब का फुटपाथों का कब्जा कर रखा है, वहां से पब्लिक को आने जाने का इतना असुविधा हो रही है, आप सोच भी नहीं सकते। पब्लिक मजबूरन रोड में उतर चलना पड़ता है, लोग कई गाड़ी का डैश भी लगता है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन दुकानदार अपना मनमर्जी करके कवर कर रखे हुए हैं। कम से कम अपना दुकान से 1 मीटर बाहर आके लोग कब्जा कर रखे हुए हैं। हम यही प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द ये फुटपाथ को नीट एंड क्लीन करिए और वहाँ से पब्लिक को आने जाने की सुविधा दीजिए। जो भी पब्लिक देखो वहाँ से जाने का रास्ता नहीं है, रोड में उतरता है, इसे कोई ना कोई छोटा गाड़ी आता है, डैश लगता है, कई सारे बुजुर्ग लोगों को डैश लगता है, रोड में चलने में बहुत असुविधा हो रहा है। और आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि क्योंकि एम्बुलेंस जो इमरजेंसी सर्विस है, फायर ब्रिगेड जैसे इमरजेंसी और कोई ऑटो वाला भी इमरजेंसी में लेके जा रहा है, परंतु वहाँ में दुकानदार का जो हिसाब का कब्जा कर रखा है उसके कारण पब्लिक रोड में चल रहा है, रोड में चल रहा है, एम्बुलेंस को आने जाने या तो जो भी इमरजेंसी सर्विस को आने जाने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है और इससे काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना है आम जनता को। मैं इसीलिए पीबीएमसी से भी ये भी गुजारिश करूंगा, आप जल्द से जल्द ये सारे फुटपाथ को एकदम फुटपाथ से जो सामान बेचते हैं उसको सबको हटाइए, खासतौर से घंटाघर से लेके आपको गांधी स्टेचू तक का पुल एकदम नीट एंड क्लीन होना है। जो हिसाब का मजिस्टिक होटल जैसे शुरू होता है, तिरंगा पार्क जैसे शुरू होता है, वहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर चढ़ते चढ़ते गणेश मंदिर तक इतना जाम हो रहा है, ट्रैफिक हर एक इंसान को परेशानी हो रहा है और खासतौर से बुजुर्ग लोग भी। कल मैंने खुद ही 2 बुजुर्ग लोगों को रास्ता क्रॉस करा के दिया, जबकि ट्रैफिक इतना जाम है वो बुजुर्ग लोग बाहर नहीं कर सकते। एक 95 एज का था और एक 75 एज का था, इनको भी मैंने खुद पार करके दिया है। मैं इसीलिए पीबीएमसी से बार बार गुजारिश, पीबीएमसी सेक्रेटरी से मैं गुजारिश करता हूँ, सर आप देखिए वहाँ पर क्या हालत हो रहा है, थोड़ा आप लोग विजिट करिए वो सब रोड में। मैं पीएस ऑपरेटिंग थाना से निवेदन करता हूँ, गिरीश सर है जैसा डीवाईडीएसपी सर, अजय सर है ट्रॉपिक में, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द ये जो फुटपाथ है खासतौर से क्लियर होना चाहिए। तो जो दुकानदार है अपना सामान अंदर रख के बिक्री करिए, उनको ऑलरेडी दुकान है, बड़ा बड़ा दुकान है, वो भी बाहर रखते हैं, 1 मीटर बाहर रखे फुटपाथ में लाके सामान रख रहा है, इससे काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहाँ का जनता को। और मैं पीबीएमसी सेक्रेटरी, चेयरमैन मैडम और दोनों वार्ड के काउंसिलर विकास से निवेदन करता हूँ, सर आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए समझे फुटपाथ को क्लीन रखने के लिए, और खासतौर से दुकान वाले लोग को अपना मनमर्जी से मॉर्निंग में एकदम अर्ली मॉर्निंग में आके पीबीएमसी के सारा कर्मचारी जो भी है सफाई कर्मचारी अपना नीट एंड क्लीन करके जाते हैं, फिर जैसे ही 8:30-9 बजता सारा दुकानदार फुटपाथ फुटपाथ में आपका डस्टबिन रख के या तो डस्टबिन के बगल में कचरा सब जमा कर देते हैं, उससे भी काफ़ी दिक्कत हो रहा है। DYSP अजय सर से मैं गुजारिश करता हूँ कि सर जो ट्रॉपिक का रूल तो आप काफ़ी कंट्रोल करता है, लेकिन ये तिरंगा पार्क का सामने से लेकर आपको ऊपर गणेश मंदिर तक काफ़ी आदमी को समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है सर, क्योंकि वहाँ में देखते जिसका मर्जी जैसा रोड में गाड़ी खड़ा कर दिया, और कोई कोई दुकान मालिक तो अपना दुकान के सामने फुटपाथ में खड़ा करते हैं, फुटपाथ में सिर्फ पब्लिक चलने के लिए सर, गाड़ी पार्किंग करने या अपना गाड़ी खड़ा करने के लिए नहीं है। मैं इसीलिए आपसे खासतौर से गुजारिश करता हूँ आपका ट्रैफिक रूल को उनको बताइए, एक बार वार्निंग दीजिए, वो गाड़ी लोग हटाइए बोलिए, नहीं से आप अपने हिसाब से कार्रवाई कीजिए सर। मैं खासतौर से बार बार आपसे यही गुजारिश करता हूँ सर, जल्द से जल्द इसका आम जनता को सुविधा मिलना चाहिए। हम आपको इसका वीडियो भी सब दिखाएंगे, और इतना जाम होता कि परेशानी तो हद से ज़्यादा हो रहा है, आए दिन परेशानी हो रहा है, क्यों आए दिन इतना गाड़ी बढ़ते जाते हैं वहाँ पब्लिक को आने जाने की बहुत असुविधा हो रही है। मैं खासतौर से ट्रैफिक और अपडेटिंग थाना और पीबीएमसी से निवेदन करता हूँ, अब जल्द से जल्द इनके ऊपर लगाम लगाइए सर। और दूसरा बात है कि वहाँ में थोड़ा एक 50 मीटर में पुलिस को रखिए सर, वहाँ बुजुर्ग लोग आते हैं, लोग पार होने को बहुत दिक्कत हो रहा है, कम से कम उन लोगों को ये सेट टू सेट पार करने दीजिए, और कोई कोई ऐसा जो हिसाब को रफ्तार से चलाता है गाड़ी कहीं ना कहीं सबको नुकसान ही कर रहा है सर, बीच बीच से इतना छोटा जगह में इतना स्पीड में जा रहा है, उनको ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए। आए दिन बाजार में जो रत्ना मार्केट से लेके घंटाघर के बीच में आए दिन कहीं ना कहीं छोटा बड़ा एक्सीडेंट होते रहता है, ट्रैफिक का
जो जाम के कारण। मैं हमेशा ये आप लोग से यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग कम से कम थोड़ा उसको ये एरिया में खास तौर से ध्यान दीजिए सर, इससे काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि इस न्यूज़ को जो भी देख रहे हैं इसके ऊपर कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ मैं अभी लोग इस आइलैंड न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।